नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पर न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों हम ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम पास न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों फ्लिपकार्ट न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है तो दोस्तों फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अब आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरप्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है तो दोस्तों यहाँ से मैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी मोबाइल नंबर से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है तो दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको जो कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओ जाएगा वो ओ टी पी यहाँ पर आपको डाल लेना है ओ टी पी डालने के बाद नीचे आपको जो वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट अकाउंट में एड्रेस कैसे डालते हैं तो दोस्तों एड्रेस इसलिए डालना होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं यानी कि ऑर्डर करते हैं तब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस एड्रेस पर यहाँ पर आना चाहिए वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होता है तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि वो एड्रेस कैसे डालते हैं तो दोस्तों एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर आपको नीचे जो अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा तो दोस्तों अब आपको सिंपली क्या कर लेना है सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है उस अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको सेवर्ड एड्रेसेस का ऑप्शन देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ से आपको जो सेवर्ड एड्रेसेस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है तो दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लिया है तो दोस्तों यहाँ से हम एक न्यू एड्रेस यहाँ पर फिलअप करने वाले यानी कि डालने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको आप क्या कर लेना है जो ऊपर एड न्यू एड्रेस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है उस पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में अपना जो फुल नेम है वो फुल नेम यहाँ पर आपको डाल लेना है उसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यानी कि फोन नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है उसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपना जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डाल लेना है पिन कोड आपको पता नहीं तो डायरेक्ट आप यूज माई लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो पिन कोड है वो मालूम कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो स्टेट है यानी कि अपना जो राज्य है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है यानी कि डाल लेना है उसके बाद अपनी जो सिटी है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल लेनी है उसके बाद आपका हाउस नंबर और उसके बाद बिल्डिंग नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है यानी कि दोस्तों जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो उस प्रोडक्ट के परचेस पर जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पर यहाँ पर जो कुरियर वाला है वो आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली अपना हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको अपना जो रोड नेम है या एरिया क्वालनी है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है तो दोस्तों आपके आसपास कोई भी यहाँ पर रोड जाता होगा या कोई भी बड़ी शॉप होगी तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल लेनी है तो दोस्तों यह सब डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो सेव एड्रेसेस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है उस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर सेव हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे हम फ्लिपकार्ट का जो न्यू अकाउंट है वो न्यू अकाउंट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही में जो एड्रेस है वो एड्रेस ऐसे डाल सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय